हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे से होंगे माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल आज से हम एक नई एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल एंड एज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट दिस मॉड्यूल कंटेन्स टेन मार्क्स इन यूर एफ एग्जाम और हमारे सिलेबस में इस मॉड्यूल के रिलेटेड दस टॉपिक्स मेंशन करके रखे गए हैं उन सारे के सारे दस टॉपिक्स को होपफुली हम दस से पंद्रह लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आज हम इसका टॉपिक नंबर वन स्टार्ट करेंगे दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा और इसके रिलेटेड आज हम थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग ओवर टूडे लेक्चर Do hit the subscribe button and don't forget to like and share the video. और भी आपको एक चीज ऑलरेडी पता है दैट एफ डब्लू का एग्जाम जो है दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम द सेकंड वीक ऑफ मार्च आप अपने एंड से अपनी प्रिपरेशन को गियरअप करो और हम भी आपको अपने एंड से हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश करेंगे आज से आपको डेली बेसिस पे स्टेटिस्टिक्स के रिलेटेड एक एक लेक्चर मिलता चला जाएगा बिसाइड्स ऑल दिस आप एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप मॉक टेस्ट की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो काफी नॉमिनल सा फी है और मॉक टेस्ट का शेड्यूल आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो या अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की क्लास को स्टार्टिंग विद ओवर क्वेश्चन नंबर वन द टर्म डेटा केम फ्रॉम द लेटन वर्ड डैश आपको बताना है जो डेटा टर्म है ये एक लेटिन टर्म से या लेटिन वर्ड से लिया गया है आपको बताना है कि वो कौन सा लेटिन वर्ड है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज डेटम ठीक है और जो डेटा है इट इज एक्चुअली द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम और अगर हम डेटम की लिटरल मीनिंग देखेंगे दैट इज समथिंग दैट इज यूज एज अ बेसिस ऑफ रीजनिंग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी इज दैट द ओरिजिनल कलेक्शन ऑफ डेटा इज डैश एंड डैश आपको बताना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहता है स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी का जब भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो ऑप्शन ए से इज अट ओवर डेटा शुड बी इन एडुकेट एंड प्रॉपर हमारा डेटा प्रॉपर होना चाहिए लेकिन वो एडुकेट नहीं होना चाहिए एडुकेट आप बोल सकते हो इनसफिशिएंट जब भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे हमारा डेटा सफिशिएंट होना चाहिए ना कि इनसफिशिएंट हैंस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर बी में भी हमें टर्म देखने को मिल रही है इनएडुकेट तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज करेक्ट एंड प्रॉपर जो भी आप डेटा कलेक्ट करोगे तो वो डेटा क्या होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में द डेटा विच इज ऑरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एनी स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज टर्मड एज डैश आपको बताना है कि वो कौन सा डेटा होता है उस डेटा को हम क्या बोलते हैं जो कि पहली बार कलेक्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं द डेटा विच ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेसड बाई पर्सन एंड टेकन ओवर फ्रॉम देयर एंड यूज बाई एनी अदर एजेंसी फॉर देयर वर्क इज वर्कड एज डैश आपको बताना है कि वो कौन सा डेटा होता है जो कि ऑलरेडी किसी और एजेंसी ने या किसी और पर्सन ने कलेक्ट करके रखा हुआ होता है और बाद में आप इसी कलेक्टेड डेटा को इस्तेमाल करते हो अपने स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए उस डेटा को हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी डेटा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विच एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आती है प्राइमरी डेटा की ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं डेटा कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट अगर आप इंटरनेट से कोई डेटा लेते हो क्या वो प्राइमरी डेटा होता है नो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड्स आपको पता है स्कूल में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द फैकल्टी एंड ऑल दैट अगर आप वहाँ से कोई डेटा कलेक्ट करते हो क्या वो प्राइमरी डेटा होगा नो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज पेपर अगर आप न्यूज पेपर से कोई डेटा कलेक्ट करते हो क्या वो प्राइमरी डेटा होगा नो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सम प्रॉब्लम। अगर आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके और वहां से आप उनके रेस्पॉन्स को ले रहे हो तो उस टाइम पे जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो ना वो क्या बन जाएगा हमारा प्राइमरी डेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्राइमरी डेटा इज जनरली इन डैश फॉर्म आपको बताना है प्राइमरी डेटा जनरली हमें किस फॉर्म में देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज रॉ फॉर्म ठीक है जब हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होता है बाद में हमें इसी पे बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है ठीक है लेकिन जो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है वो जनरली हमें फिनिश्ड फॉर्म में देखने को मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं प्राइमरी डेटा इज मोर डैश एंड डैश फॉर इंक्वायरी बिकॉज इट इज कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको बताना है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है ऑप्शन नंबर डी से हम स्टार्ट करेंगे टाइम एफिशिएंट एंड रेडिली अवेलेबल टाइम एफिशिएंट मतलब हो गया कि प्राइमरी डेटा लेस टाइम लेता है क्या प्राइमरी डेटा लेस टाइम लेता है नो no. क्या ये रेडिली अवेलेबल होता है नो हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे प्राइमरी डेटा रिलायबल होता है दैट इज ट्रू लेकिन ये टाइम एफिशिएंट नहीं होता है हेंस ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे टाइम कंज्यूमिंग तो ये होता है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना लेकिन ये इकोनॉमिकल नहीं होता है इकोनॉमिकल मतलब हो गया सस्ता चीप ठीक है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ती है Hence, ये इकोनॉमिकल नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही आंसर नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज़ रिलायबल एंड सूटेबल जो हमारा प्राइमरी डेटा होता है ये रिलायबल होता है और सूटेबल होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में एट के बारे में सेकेंडरी डेटा रिक्वयर्स डैश एंड डैश हेंस इकोनॉमिकल आपको बताना है कि सेकेंडरी डेटा को क्या चाहिए होता है ऑप्शन ए सीज दैट मोर टाइम एंड लेस मनी सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए लेस मनी हमें चाहिए होता है दैट इज़ ट्रू लेकिन लेस मोर टाइम ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता लेस टाइम ये लेता है लेकिन ज़्यादा मनी इसमें हमें स्पेंड नहीं करना पड़ता है हेंस ये भी इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता मोर टाइम ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है ज़्यादा पैसा भी नहीं लेता है ये भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज लेस टाइम एंड लेस मनी सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें टाइम भी कम लगता है और पैसा भी कम लगता है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा आपको बताना है गिवन ऑर द फोर ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा ऑप्शन ए सेज दैट रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन अगर को, कमिटी कोई कमिटी रिपोर्ट जनरेट कर लेती है या कोई कमीशन रिपोर्ट जनरेट कर लेता है और आप उन रिपोर्ट से कोई डेटा कलेक्ट करते हो क्या वो प्राइमरी डेटा बन जाएगा नो no. वो सेकेंडरी डेटा बन जाएगा उस टाइम पे अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से अगर आप कोई डेटा लेते हो तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा सेकेंडरी डेटा अगर आप ऑफिशियल पब्लिकेशन से कोई डेटा लेते हो तो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा सेकेंडरी डेटा हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट ये क्या बन जाता है सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के बारे में द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग दियर हाइट्स विद अ मेजरिंग टेप आर आपको बताना है कि अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के रिलेटेड रिगार्डिंग दियर हाइट्स और जैसे ही आप उनकी हाइट मेजर करते हो बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप और बाद में आप इसी हाइट वाला डेटा जो होगा आपके पास उसको रिकॉर्ड कर लेते हो उस टाइम पे वो रिकॉर्डेड डेटा क्या होगा क्या वो प्राइमरी डेटा होगा सेकेंडरी डेटा होगा कि टेरशरी डेटा होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज़ प्राइमरी डेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन के बारे में डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया से टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है ये एक न्यूज पेपर है अगर आप इस न्यूज पेपर से कोई भी डेटा कलेक्ट करते हो तो उस टाइम पे वो कौन सा डेटा बन जाएगा सेकेंडरी डेटा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डेटा कलेक्टेड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट्स इज आपको बताना है कि अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो रिगार्डिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है लेकिन ये डेटा आप कहां से कलेक्ट कर रहे हो सेंसस रिपोर्ट से तो उस टाइम पे ये डेटा कौन सा डेटा बन जाएगा इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाई आपको बताना है कि अगर आपको किसी भी डेटा आइटम की कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी को चेक करना होगा वेरीफाई करना होगा इन्वेस्टिगेट करना होगा तो उस टाइम पे आप किस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर सिक्रूटनी विल बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेकेंडरी डेटा शुड बी प्रफर्ड लेस टाइम इज अवेलेबल टू कलेक्ट द डेटा आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बताया जा रहा है आपको सेकेंडरी डेटा प्रेफर कर लेना चाहिए जब आपके पास टाइम कम होगा डेटा कलेक्शन के लिए तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फॉलोइंगल ऑफ प्राइमरी डेटा आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आती है प्राइमरी डेटा की ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज पब्लिक ओपिनियन पोल ऑन हुक्सट प्रेसिडेंट ये वाला क्वेश्चन एफ डब्ल ए के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया था इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ था ठीक है लेकिन ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्यों बिकॉज अगर आप पब्लिक ओपिनियन पोल कर रहे हो मीन यू आर डायरेक्टली डीलिंग पीपल आप उनसे पूछ रहे हो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनना चाहिए और आप उनका रेस्पॉन्स रिकॉर्ड कर रहे हो ठीक है तो ये उस टाइम पे क्या बन जाएगी एग्जाम्पल बन जाएगी प्राइमरी डेटा की नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं विच ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आपको बताना है इनमें से कौन सी डिसएडवांटेज आती है सेकेंडरी डेटा की ऑप्शन ए सीज दैट इट मे नॉट बी ऑलवेज एज लेटेस्ट एज द डिसीजन मेकर्स मेकर देम टू बी बताया जा रहा है कि जब आप सेकेंडरी डेटा ले रहे होते हो ठीक है आपको अप टू डेट कभी कभी डेटा नहीं मिल सकता हाँ ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है किसकी सेकेंडरी डेटा की ठीक है ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे इट इज नॉट इकोनॉमिकल क्या ये इकोनॉमिकल होता है हाँ सेकेंडरी डेटा की एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिकल होता है सस्ता हमें पड़ता है लेकिन ये हमें बता रहा है नॉट इकोनॉमिकल तो ये तो इसकी डिसएडवांटेज नहीं है इट टेक्स मोर एफर्ट्स क्या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं नो no, ये भी इसका सही आंसर नहीं रहेगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज सेकेंडरी डेटा की क्या होती है ये लेटेस्ट हमें नहीं मिल सकता है बिकॉज अगर किसी ने अपने लिए डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है ठीक है जो कि इसका प्राइमरी डेटा बन जाएगा आप उसी डेटा को यूज कर रहे हो एक साल बाद ठीक है तो उस टाइम पे जो आप डेटा चाहते चाहते हो वो लेटेस्ट आपको देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि आप एक साल पुराना डेटा यूज कर रहे हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इफ समी यूजेज द डेटा कलेक्टेड बाई यू फॉर अर स्टडी देन इट बिकम्स डैश अगर कोई और पर्सन आपका कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज करना चाहता है उसकी सिमिलर स्टडी के लिए ठीक है तो उस टाइम पे ये उस पर्सन के लिए क्या डेटा बन जाएगा सेकेंडरी डेटा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर आपके लिए तो ये प्राइमरी डेटा था लेकिन जो पर्सन आपका कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज करेगा उसके लिए क्या बन जाएगा सेकेंडरी डेटा आपको हमेशा याद रखना होगा कि क्वेश्चन में वर्डिंग क्या है ठीक है आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस रेस्पेक्ट में बात की जा रही है ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड लेक्टेड आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है जहां पर हर एक ऑब्जर्वेशन को इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने के मैं पहले आपको इसका आंसर बता देता हूं ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज प्रोबिलिटी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अब सैंपलिंग के रिलेटेड हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट uh, को डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैंपलिंग टर्म जो है वट इज दिस इसकी मीनिंग क्या है सैंपलिंग सिंपली होता है अगर मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन मैं लिख लेता हूं यहां पे प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ठीक है अगर अगर आप आ, डेटा कलेक्ट करने आ, करना चाहते हो लेकिन जो पॉपुलेशन का साइज है वो काफी ज्यादा है उस टाइम पे आप क्या ले सकते हो सैम्पल्स ले सकते हो डेटा कलेक्शन के लिए ठीक है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैंपलिंग फाइन और जो पॉपुलेशन होती है जो पॉपुलेशन होती है इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से और जो हम सैंपल्स यहां से लेंगे सैंपल हम यहां से लेंगे वो सैंपल्स जो है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल से स्टैटिस्टिक्स में ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और ये जो सैंपल होगा इट विल ऑलवेज बी सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सैंपल हमेशा क्या होता है सबसेट होता है किसका पॉपुलेशन का अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखोगे पॉपुलेशन हमेशा क्या होगा सुपर सेट होगा सुपर सेट होगा किसका सुपर सेट होगा सैंपल का ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे और भी एक दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने होंगे अगर आप सैंपल से कोई वैल्यू कैले कैलकुलेट करते हो ठीक है ना अगर आप क्या करते हो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू कैलकुलेटेड, वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल अगर आप सैंपल से कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स वायल हैज वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन अगर आप पॉपुलेशन पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करके कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर उसको हम बोलते हैं पैरामीटर ठीक है ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहां पे आपको और दो पॉइंट्स याद रखने होंगे जो हमारी प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग होती है सैंपलिंग जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इसके दो टाइप्स निकल के आ जाते हैं एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और जो दूसरी टेक्निक हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं दूसरा टाइप इसका आता है उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नॉन बलिटी सैंपलिंग ओके अब अगर हम इनकी डेफिनेशन को देखेंगे प्रबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है नॉन प्रबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है सिंपल टर्म्स में प्रबिलिटी सैंपलिंग जो होती है यहां पे हर एक ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं हाव नॉन प्रबिलिटी सैंपलिंग में हर एक ऑब्जर्वेशन को इक्वल चांस नहीं होते हैं सेलेक्ट होने के ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखोगे और बाद में क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी हमारे पास काफी ज्यादा टाइप्स अवेलेबल हैं लाइक अगर मैं यहां पे आपको बताऊंगा एक टाइप आता है इसका सिंपल रैंडम सैंपलिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग दूसरा टाइप इसका आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग तीसरा टाइप जो इसका आता है उसको हम बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग चौथा टाइप जो इसका आता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग पांचवा टाइप जो इसका आता है उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग मल्टी स्टेज ये इंपॉर्टेंट वंस है इंपॉर्टेंट वंस मैंने यहां पे लिख दिए हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग और इसी पैटर्न पे अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स की बात करेंगे इसमें एक टाइप आता है कन्वीनियंस सैंपलिंग एक और टाइप इसका आता है जिसको हम बोलते हैं जजमेंटल सैंपलिंग जजमेंटल सैंपलिंग का एक और नाम है दैट इज परपजिव सैंपलिंग इसी पैटर्न पे एक टाइप इसका आता है कोटा सैंपलिंग एक और टाइप इसका आता है एक्सीडेंटल सैंपलिंग एक और टाइप इसका आता है जिसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग स्नोबॉल सैंपलिंग ठीक है ये इसके टाइप्स निकल के आ जाते हैं ठीक है थीके? अब मैं इन सारे टाइप्स को यहां पे आ, डिस्कस नहीं करूंगा अगर आपने इनको एक बार ऑलरेडी पढ़ा होगा तो अच्छी बात है अगर नहीं पढ़ा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन में करके बता सकते हो आ, आगे वाले लेक्चर्स में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आती है सोर्स आ, सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स जो होंगे वो सेकेंडरी डेटा बन जाएगा इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज भी ये भी सेकेंडरी uh, डेटा की एग्जांपल्स आती है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज ऑब्जर्वेशन अगर आप किसी पर्सन का बिहेवियर चेक कर रहे होते हो ठीक है कि वो कैसे चलता है कैसे पढ़ता है कैसे सोता है ठीक है तो जो वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड तो वो एक सोर्स बन जाता है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए ठीक है इंटरनल सोर्स क्या होता है एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू इज ट्रू अबाउट सैंपलिंग एरर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द सैंपलिंग एरर मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देता हूं ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज इट डिक्रीजेज एज सैंपल साइज इंक्रीजेज जितना आप सैंपल साइज बड़ा करते चले जाओगे सैंपलिंग एरर के चांसेस उतने उतने रिड्यूस होते चले जाते हैं ठीक है ये आप अच्छे से याद रखोगे ये वाला पॉइंट जब आप कोई सैंपल ले रहे होते हो आपको सैंपल इस तरीके से लेना होता है जो यहां से आपको रिजल्ट मिलेंगे सैंपल से जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो जनरलाइज होने चाहिए पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे क्या होने चाहिए जनरलाइज होने चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे आपने अच्छा सैंपल लिया है और उसमें सैंपलिंग एरर कम है अगर वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे आपने अच्छा सैंपल नहीं लिया है तो उसको हम बोलेंगे सैंपलिंग एरर भी वहां पर एक रीजन बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेकेंडरी स्लैश एग्जिस्टिंग डेटा एक और टर्म यहां पे आप याद रखोगे सेकेंडरी डेटा को हम क्या बोलते हैं एग्जिस्टिंग डेटा भी ठीक है मे इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आती है सेकेंडरी डेटा की ठीक है ऑप्शन ए से दैट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यस इट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को भी आप ट्रीट कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा ठीक है और इसी पैटर्न पे आर्काइव्ड रिसर्च डेटा जो होगा ये भी क्या है सेकेंडरी uh, डेटा की एग्जाम्पल है हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज ऑल ऑफ द अब अब ये आर्काइव्ड रिसर्च डेटा क्या होता है ये एक ऐसा डेटा होता है जो कि आप कलेक्ट करते हो प्रायर टू द बिगनिंग ऑफ द रिसर्च स्टडी जब आप रिसर्च स्टडी स्टार्ट करने वाले होते हो उससे पहले आप थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करते हो उस स्टडी के बारे में ठीक है उसको हम बोलते हैं आर्काइव्ड रिसर्च डेटा तो इसको भी कभी कभी आप ट्रीट कर सकते हो एज सेकेंडरी डेटा याद रखने की जरूरत है हमेशा डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ डेटा कौन सा है कि आप किस परस्पेक्टिव में बात कर रहे हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेकेंडरी डेटा इज लीस्ट यूजफुल टू आपको बताना है कि सेकेंडरी डेटा कहां पे सबसे कम यूजफुल है मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज न्यू प्रोडक्ट्स अगर आपको न्यू प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करना होगा तो उस पर्पस के लिए सेकेंडरी डेटा काफी लीस्ट यूजफुल रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेकेंडरी डेटा कैन नॉट हेल्प आपको बताना है कि सेकेंडरी डेटा हमें कहां पे हेल्प नहीं कर सकता है इसका भी मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। टू ऑब्जर्व रिटेल बिहेवियर। रिटेल बिहेवियर को चेक करने के लिए प्रेडिक्ट करने के लिए आप सेकेंडरी डेटा को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो यहां पे भी ये क्या बनेगा लीस्ट यूजफुल बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं द मिस्टेक वेन यूजिंग सेकेंडरी डेटा इफेक्टिवली इज आपको बताना है कि वो कौन सी मिस्टेक हम करते हैं जब हम इफेक्टिवली सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे होते हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज टू अज्यूम इट इज राइट जब आप सेकेंडरी डेटा लेते हो किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी तो आप ये अपनी जगह अज्यूम नहीं कर सकते हो कि ये राइट right होगा ठीक है वाई, अगर आपने अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट किया होता तो आप अपनी जगह पे श्योरिटी रखते कि इसमें कोई बायसनेस नहीं है लेकिन जब आपको रेडिली कोई डेटा अवेलेबल मिल जाता है आपको नहीं पता होता है कि वो किस हद हाँ तक सही है ठीक है तो आप इसको एज्यूम नहीं कर सकते हो कि सेकेंडरी डेटा हमेशा क्या होगा राइट ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी डेटा आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आती है या कौन सा सेकेंडरी डेटा है ठीक है सॉरी uh, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एडवांटेज है सेकेंडरी डेटा की मे बी आउटडेटेड सेकेंडरी डेटा हमें कभी कभी आउटडेटेड मिल सकता है तो ये तो एडवांटेज में नहीं आ सकता एक्सपेंसिव क्या सेकेंडरी डेटा एक्सपेंसिव होता है नो no. तो ये भी इसकी एडवांटेज में नहीं आ जाएगा अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे मे नॉट बी एक्यूरेट सेकेंडरी डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकता है यस yes, ये भी सही है लेकिन ये इसकी एडवांटेज में नहीं आएगा हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर दैट इज सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं द मेन ड्रॉबैक ऑफ प्राइमरी डेटा इज आपको बताना है कि प्राइमरी डेटा का मेन ड्रॉबैक क्या है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज बायसनेस ठीक है बायसनेस इज द राइट आंसर आपको पता होना चाहिए बायसनेस मतलब हो गया बायसनेस का बात यह है किसी भी डेटा में जब आप किसी का फेवर कर रहे होते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम आपको बताना है कि प्राइमरी डेटा हम कहां से कलेक्ट कर सकते हैं जो हम न्यूज़पेपर से डेटा कलेक्ट करेंगे क्या वो प्राइमरी डेटा होगा नो no. अगर हम मैगजीन से कोई डेटा कलेक्ट करेंगे क्या वो प्राइमरी डेटा होगा नो no. अगर हम इंटरनेट से कोई डेटा कलेक्ट करेंगे क्या वो प्राइमरी डेटा होगा नो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन इसीलिए कभी कभी प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन डेटा भी बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं वेन द डेटा टू बी कलेक्टेड आर वेरी लार्ज इन वॉल्यूम दैन इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ रेस्पॉन्सिबल रीजनेबल एक्ूरेट कंक्लूजन्स फ्राम द स्टडी ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ ग्रुप आपको बताया जा रहा है जब आपको डेटा कलेक्ट करना होगा काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम का डेटा कलेक्ट करना होगा तो उस टाइम पे एक्यूरेट कंक्लूजन्स को ड्रा करने के लिए आप एक स्मॉल पोर्सन ऑफ ग्रुप को एनालाइज कर सकते हो स्टडी कर सकते हो उस स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलेंगे सैम्पल ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं डैश ऑफ डेटा कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट स्टेप इन दल इन्वेस्टिगेशन आपको बताना है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप क्या होता है गिवन आउट द फोर ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज डेटा कलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सेकेंडरी डेटा आपको बताना है इनमें सेकेंडरी से डेटा के रिलेटेड कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है ऑप्शन ए से ऑप्टेन क्या सेकेंडरी डेटा को ऑप्टेन करना एक्सपेंसिव होता है नो no, ये तो सही नहीं है नॉट ऑलवेज वेरी यूजफुल सेकेंडरी डेटा जब आप कलेक्ट कर रहे होते हो यह हमेशा आपके लिए यूजफुल नहीं हो सकता यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे कलेक्टेड मोस्टली क्या आप सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए सर्वेज करते हो नो no, ये भी इसका सही नहीं होगा ऑप्शन right तो आज के सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे केस आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं तो मिलते हैं कल अपने